किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज की नर्सरी आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कम खर्चे में बहुत ही शानदार प्याज की नर्सरी आप कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाज़ार से बेसल डोज लाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो साथियों प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए पहले तो आप किसी भी फंगीसाइड से, ट्राइकोडर्मा से आप प्याज के बीज का बीज उपचार कर ले हैं, और उसके बाद खेत की तैयारी कैसे करनी है नर्सरी के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर क्यारी विधि से करते हैं, अगर डोरे विधि से भी करते हैं या फिर क्यारी विधि से भी करते हैं, तो आप सीधा और सिंपल फंडा है कि प्याज की खेती में जो मेन ज़रूरत होती है वो है गोबर की खाद की, और लास्ट में जब प्याज पकने लग जाता है तब पोटाश की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है साथियों। तो आप सिंपल सी चीज़ करें कि आप जिस भी क्यारे में आप प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस क्यारे में आप जो अपना देसी खाद होता है गोबर का पका हुआ देसी खाद, उसको छन्ने में छान के बिल्कुल बारीक कर लें, और ध्यान रहे साथियों कि खाद कच्चा नहीं होना चाहिए, खाद पका हुआ होना चाहिए। तो पके हुए खाद का आप उसमें छन्ने में छान के बिल्कुल बारीक कर दें, और उसके साथ आप 10 या फिर 20 रुपये का फंगीसाइड का पाउच आता है, किसी भी बीज भंडार पे आसानी से मिल जाएगा, वो आप एक या फिर दो जितना आपको उचित लगे उतना आप उसमें मिला के आप खेत में छिड़काव कर सकते हैं साथियों। और आपको बाज़ार से कोई भी पेस्टिसाइड या फिर खाद वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि साथियों आप बीज भंडार के पास जाते हैं, बीज भंडार वाले के पास में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे खाद की प्याज की नर्सरी तैयार करनी है, तो आपको काफ़ी सारे डोज लिख के दे देता है और काफ़ी सारे डोज आपको बना के दे देता है। और साथियों हम जिस प्रकार से जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं प्याज की नर्सरी हमारी ये पिछले साल की है, इस साल अभी हमारे प्याज की नर्सरी तैयार करनी है। पिछले साल हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, पिछले साल हमने खाली स्टार्टिंग में शुरुआत में SSP सिंगल सुपर फास्फेट डाला था साथियों, 3 क्यारे में लगभग 20 किलो हमने सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि राखुड़िया खाद उसमें डाला था और काफ़ी अच्छी नर्सरी हमारी तैयार हुई थी। तो साथियों आपको ज़्यादा कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्याज की नर्सरी आसानी से कम खर्चे में तैयार हो सकती है, और नर्सरी तैयार होने के 45 दिन बाद आप उसको ट्रांसप्लांट करके 30 से 45 दिन में आपको जब लगे कि आपकी नर्सरी लगाने लायक हो गई है तो आप उसको ट्रांसप्लांट करके आपके खेत में लगा सकते हैं। और साथियों कुछ प्याज की वैरायटियां हैं जो कि अभी बहुत प्रचलन में है, जैसे कि एलोरा की हो गई और मान लो पंचगंगा की रबी के लिए और खरीफ के लिए आती है मैं तो, और भी काफ़ी सारी वैरायटियां हैं। आप तो आपको जिस वैरायटी पे ट्रस्ट हो या फिर जो वैरायटी आप लगाते हैं आप वही वैरायटी लगाएं साथियों। तो साथियों ये थी प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी। जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।